दोस्तों, जैसा कि थंबनेल आपने देखा है कि 15 मिनट के अंदर 5 महीने में जो आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, जितनी आप कर सकते हैं और जितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं, आज एक शुद्ध और एक आसान शब्दों में 15 मिनट के अंदर में ऐसे 18 पॉइंट बताएंगे जिसे आपको जाननी बहुत ज़रूरी होती है और इसे जानने के बाद आप अपने घर में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं हूं नवीन कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि घर बनाने से पहले आपके हाथ में क्या होना चाहिए? नहीं, सामान नहीं, एक आर्किटेक्चर प्लान होनी चाहिए। और वो आर्किटेक्चर प्लान एक सिविल इंजीनियर, एक स्ट्रक्चर इंजीनियर जो साथ में वास्तु अगर जानता है तो वो सोने पे सुहागा का काम करेगा और आपके पैसे एक्स्ट्रा से बचा सकता है। किसी गुरुदेव के पास या कभी भी पंचांग दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ कंफर्म कर लीजिए कि सबसे पहले आपको एक्सपेंसिव किस पे करना है, तो आर्किटेक्चर प्लान होनी चाहिए जिसमें लेआउट प्लान मिलते हैं, आपको स्ट्रक्चर प्लान मिलता है, फिर उसका जो प्लॉटिंग्स जो डायमेंशंस होते हैं वो सारे उसमें डिनोट किए जाते हैं। ये आ गई आर्किटेक्चर प्लान में। उसके बाद आता है कि इसे एग्जीक्यूट कैसे करना है, तो उसके लिए आपको एक सिविल इंजीनियर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अगर प्लान सिविल इंजीनियर बना रहे हैं तो लेआउट भी सिविल इंजीनियर कर दिया, कितनी अच्छी बात है कि आपको कम खर्च और कम बजट में आपका काम होते जा रहा है। अब लेआउट के समय क्या करना है? सबसे पहले मार्किंग करनी है। आड़े तिरछी कहीं भी अगर ज़मीन हो तो उसे सबसे पहले जो है गुनिया में लाइए, जिसे राइट एंगल बनाना होता है। तो उस गुनिया में लेने के बाद आप प्लानिंग को देखिए और एज इट इज उसी हिसाब से आपकी वहाँ पे लाइन ड्रॉ होगी और वहाँ पे थ्रेडिंग की मदद से आपके डिमार्केशन लाइन को तैयार किया जाएगा। तो आता है कि साइट का एक्सेवेशन, जहाँ जहाँ लेआउट हुआ, जहाँ जहाँ डिमार्केशन की गई है, जहाँ पे प्लॉट का कॉल्यूम का डिमार्केशन, फाउंडेशन का डिमार्केशन हुआ है, वहाँ पे आपको खुदाई करनी है। खुदाई करने में आपको कैसे वर्क कर सकते हैं? आप मैन के द्वारा भी कर सकते हैं, आप जेसीबी से करवा सकते हैं, सेमी जेसीबी से करा सकते हैं या फावड़ा लेके कर सकते हैं। तो सबसे बढ़िया रिजल्ट जो निकल के आता है, अगर मान लीजिए सिल्टी क्ले मिट्टी है बिहार यूपी इधर जितने भी प्लेनर एरिया में हैं, तो यहाँ पर आप फावड़ा से करा सकते हैं। लेकिन जब आप आ जाते हैं कंटूर लाइन में जहाँ पे हिली एरिया है, तो वहाँ पे आपको मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ वाइब्रेट, वहाँ पे तोड़ने वाला आपको चाहिए, स्टोन क्रशर चाहिए, तो वहाँ पे आपको जेसीबी ही काम आएगा। तो वहाँ पे हाथ से निकालना आपके लिए अनइकोनॉमी हो जाएगा। तो इसमें ध्यान रखिए कि आपका साइट कहाँ पे है, तो उसी हिसाब से मैन मेड वर्क कराइए, बढ़िया रहेगा। अगर प्लेन एरिया में अगर हाथ से काम करें तो सरफेस स्मूथ आएगा, उसके जो डायमेंशन है वो एग्जैक्ट वैल्यू के साथ उतरेगी और आपका काम एक्स्ट्रा नहीं होगा। अगर जेसीबी से खुदाई करवाएंगे तो क्या होगा, वो बकेट में ज़्यादा निकालता है, बकेट ज़्यादा मारेगा तो आपकी मिट्टी ज़्यादा आएगी, ज़्यादा निकलेगी, तो उसे फिर ट्रेंच को रीडिजाइन रीशेप करने के लिए आपको अलग से एक लेबर की आवश्यकता पड़ जाएगी। ये हो गई आपके एक्सकेवेशन। नेक्स्ट आता है कि कॉल्यूम का अलाइनमेंट करना होता है। सबसे पहले फाउंडेशन बेस बनाइए, फाउंडेशन बेस की जो साइज आपके ड्राइंग में दी हुई है उसी ड्राइंग के अनुपात को लेते हुए आपको वहाँ पे बार कर्टेलमेंट करनी है, उसकी कटिंग करनी है, उसे मेस बनाना है और उसे एक थ्रेडिंग की मदद से अलाइनमेंट सही करके, चाहे आप प्लम्बॉब साहुल से करिए या फिर पियानो जो वायर मेस होती है उससे करिए, जो आपके लिए वहाँ सूटेबल है उससे आप वर्क करिए और अपना वहाँ पे साइट पे कॉल्यूम का अलाइनमेंट सही करके उसे प्लेस करिए। इसी में आती है कि कॉल्यूम का साइज कैसे हो, कितना होना चाहिए, तो इसके लिए मैंने वीडियो पहले बना रखी है, आप मेरे चैनल पर पहले जाके देख सकते हैं कि कॉल्यूम का साइज कैसा होना चाहिए। अगर पिलर की दूरी बढ़ती है तो उसके लिए कॉल्यूम का क्या साइज है, और डिटेल्स में जानना है तो मेरे पिछले वीडियो में आप लाइन से सीरीज मैंने बना रखी है कॉल्यूम के लेके। तो नेक्स्ट आती है प्लिंथ बीम। प्लिंथ बीम का काम क्या है? प्लिंथ बीम का काम ये है कि अंदर की जो सॉइल है और अंदर का जितने भी बाहर के कंपाउंड एरिया है और उस कॉल्यूम को एक साथ टाई करने के लिए उसे प्लिंथ में किया जाता है, इसलिए उसे टाई बीम भी कहते हैं। तो हर एक कॉल्यूम जितने भी बाहर सरफेस पे आपके दिख रहे हैं उन सबको एक साथ जो है जॉइंट किया जाता है, इसलिए उसे प्लिंथ बीम दिया जाता है, सॉरी प्लिंथ बीम नहीं, ग्राउंड बीम दिया जाता है। और इसे करने के लिए आपको मिनिमम 12 mm का सरिया चलाना पड़ेगा। अब आ जाती है प्लिंथ वर्क में। तो प्लिंथ वर्क में पैसा बचाना है तो बीच वाला जितना भी आपको ग्राउंड पे बीम चलाना था उसे उठा के आप ले जाइए ऊपर और कर लीजिए प्लिंथ का काम। उसमें डीपीसी का खर्चा बच जाएगा,
आपके ब्रिक वर्क का खर्चा बच जाएगा, साथ में आपके मैन का जो लेबर कॉस्टिंग आ रही है, जो मेसन की कॉस्टिंग आ रही है, वो भी वहाँ पे बचेगी। उसके बाद डीपीसी कोर्स करा लीजिए ताकि आपके दीवारों में सीलन नहीं आए। सीलन आने से बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, एक कैंसर कह लीजिए। घर के अंदर जब ये सीलन आती है तो कैंसर का इलाज तो मान लीजिए अगर प्राइमरी सेगमेंट में तो कर सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें भैया हो गया तब तो उसका इलाज जो है फिर वही है, तोड़िए उसमें फिर से इंग्रेडिएंट मिलाइए, एडमिक्सचर्स लाइए, बहुत लंबा फेरा है। उससे अच्छा है कि पहले ही क्यों ना आप संभल जाएं कि आपके घर में ऐसी दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है कि सॉइल फिलिंग कैसे करना है। तो सॉइल फिलिंग का आईआईटी में अगर पढ़ रहे, अगर कोई भी सिविल इंजीनियर पढ़ रहे हैं तो सबसे बढ़िया है कि अगर स्टोन क्रस्ट डस्ट है तो उसका 10 इंच मतलब 200 mm डालिए, कॉम्पैक्शन करिए, 200 mm डालिए, कॉम्पैक्शन करिए, फिर 200 mm, जितनी हाइट है तो बस 200 mm का इंटरवल ही रखना है। इससे क्या होगा कि आपके जो सॉइल फिलिंग है, जो आपने अपने प्लिंथ वर्क के लिए अपने ग्राउंड से हाइट देने के लिए जो वर्क करवाया है तो इसमें बैठता जाएगा, वो कॉम्पैक्शन होते जाएगा। और अगर आपके सॉइल का है, मिट्टी है, तो 1.5 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लगभग कह सकते हैं कि 400 mm से ज़्यादा सॉइल फिलिंग मत करिए, 400 mm करिए, कॉम्पैक्शन करिए, उसमें पानी की क्यूरिंग करिए, उसमें आप जो है जितना हो सके उसका लेवल सरफेस चेक कर लीजिए, बैठ जाए, बाहर चेक कर लीजिए कहीं बीम के नीचे से मिट्टी बाहर नहीं भाग रही है, इन सब चीज़ों को चेक करते हुए 400 mm तक आप जो है काम करिए। तो इससे आपके सॉइल की कॉम्पैक्शन अच्छा होगा। कभी भी टर्माइट की जो अभी धांधली चल रही है कि टर्माइट प्रूफिंग कर लीजिए, इन चीज़ों से आप बच सकते हैं। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, बालू वाली जितने भी सैंडी सॉइल होती है वो सैंड वाली सॉइल आप डलवाइए, कभी भी टर्माइट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। टर्माइट की प्रॉब्लम तभी आती है जब आप गंदी मिट्टी या सरा हुआ किसी का घर उजरा हुआ ले आए, जैसे टाटी का घर है, इकरी का घर है, इसके नीचे जो है वो चाली उली होती है, वो आके आपके घर में टर्माइट का प्रॉब्लम कर देता है। तो ऐसे मिट्टी से बचिए, जितना हो ढाप का मिट्टी यूज कर लीजिए, वो अच्छा रहेगा। आ गए प्लिंथ डीपीसी भैया हो गया, अब क्या है सबसे बड़ी चीज़ कि सील लेवल पे काम क्या करना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सील लेवल पे कोई ध्यान नहीं देता, खिड़की के लेवल तक 2.5 फीट तक आने के बाद एक सील वेंट चलाना चाहिए। लोग कहेंगे भाई ये तो एक्स्ट्रा खर्चा करवा रहे हो, हाँ करवाएंगे, ज़रूर करवाएंगे आपसे एक्स्ट्रा खर्चा। बाद में आप हमें दिक्कत ये नहीं कहिएगा कि भाई इंजीनियर ने आके आपके घर को गड़बड़ कर दिया, ऐसा मैं नहीं सुनना चाहता। सील वेंट देने का कारण है कि जब आप खिड़की डालते हैं तो खिड़की के समीप से देखते होंगे इंक्लाइंड क्रैक्स आ जाती हैं, यही इंक्लाइंड बचाने के लिए हम लोग सील वेंट देते हैं। लेकिन ठेकेदार लोग आपको समझा देते हैं कि भैया सील वेंट दे रहे हैं, देख लो खर्चा करवा रहा है, उंगली करता है हर काम में, ये ठेकेदार को ये बार बार रोकता है, ये पैसा आपका खाता है। तो इंजीनियर का काम पैसा खाना नहीं है, आपको सजेस्ट करना है। तो सील वेंट जरूर दीजिए अपने घर में, और वहाँ पे नहीं तो 3 इंच का कम से कम दे दीजिए, क्या जाता है भाई 3 इंच का सील वेंट देने में, ऐसे ही आपका मिस्त्री तो गड़बड़ कर देता है, उससे ज़्यादा तो मटेरियल बेकार में बहा देता है, उससे ज़्यादा मटेरियल आपका देखते होंगे साइट पे कितना बर्बाद होता है। आप पिछला वीडियो देख लीजिए, छड़ घुसाए हुए था मिट्टी के भीतर में, उस चोटा को कौन समझाए कि कैसा काम कर रहा है। इसीलिए ध्यान से देखिए और सील वेंट को दे दीजिए, नहीं तो आपका भी घर भैया कवर बना देगा वो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है कि किचन का स्लैब कैसे दें, किचन के स्लैब के ऊपर का स्लैब कैसे दें, यह सबसे बड़ी चुनौती होती है। इसका वीडियो एक सेपरेटली आपके लिए बनाएंगे कि किचन का स्लैब और किचन के अंदर का यूटिलिटी सेटअप कैसा होना चाहिए, यह बिल्कुल सेपरेट आपके लिए लेके चलेंगे। तो इस बार बताना, चूंकि ये बहुत लंबा चला जाएगा वीडियो, इसलिए इस बार नहीं बता रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं कि लिंटल लेवल और स्टेयर केस में कैसे। स्टेयर केस का हमेशा ध्यान रखिएगा कि गांव घर में देखते होंगे कि स्टेयर का नीचे का जो लैंडिंग, जो आप स्लैब देखते हैं, नीचे मोटा कर देगा, ऊपर जाकर पतला कर देगा, तो ये डायमेंशन गलत लेता होगा। यहाँ पर भी इंजीनियर को बुलाना चाहिए, और ये ध्यान दीजिए कि आपका जो नीचे का स्लैब है जहाँ पर स्टेप्स राइजर और आपके बन रहे हैं, वो स्मूथ एकदम यूनिफॉर्म सेक्शन डिजाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आपको ध्यान देना पड़ता है। तो इस चीज़ को ध्यान देने के लिए आपको इंजीनियर को वहाँ पे रखना पड़ेगा, वो डायमेंशन आपको देगा, वहीं से आपका सेटिंग का अलाइनमेंट चेक होगा। क्योंकि
सिंपल बीम हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कुछ नहीं है, वो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जब इंक्लाइंड मेंबर की बात आती है तब वहाँ पे इंजीनियर का रोल आपको पता चलेगा कि भाई ये चीज़ अगर नहीं बताता तो आज मेरा बीम जो है, ये स्लैब जो है, ये सब के साथ क्या गड़बड़ हो सकता है। तो ये समय बहुत ज़रूरी है और इसका वीडियो आपको दिखाएंगे कितने अच्छे से इसका डिज़ाइन करना होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि छज्जा टॉयलेट के ऊपर ममटी, जो टॉयलेट के ऊपर देखते होंगे कि फर्श डाल देते 7 फीट पे, तो वो क्या जायज़ है, देना चाहिए नहीं देना चाहिए। देखिए इसमें दो कंडीशन आती है, सिर्फ टॉयलेट रूम है तो दे दीजिए, साथ में अगर बाथरूम बना रहे हैं तो भूल से भी 7 फीट पे ढलाई मत करिए। और यहाँ तक कि सनकेन स्लैब जब बनता है तो ऐसा ही भैया 1.5 फीट डाउन है ही, ऊपर से आप 7 फीट पे ही कर देंगे तो फिर आपको अपना फाउंटेन और जो आपके जो ऊपर से आप झरना उरना लगाते हैं ये सब कहाँ से लाएंगे। तो इसका सेटअप जब भी करिए तो एक निश्चित हाइट पे ही रहने दीजिए, जो प्लान में दिया गया है उसके साथ छेड़छाड़ मत करिए। इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है कि समय समय पर क्यूरिंग जो है वो प्राण देने की चीज़ है, घर का जो सांस लेने और छोड़ने का जैसे इंसान में होता है कि प्राण वायु है, उसी तरह प्राण अगर किसी RCC मेंबर या ब्रिक वर्क जो भी कराना है घर का, उसका प्राण अगर दाता कोई है तो वो क्यूरिंग है। इसलिए क्यूरिंग जो है हमेशा समय समय पर करवाइए, नहीं तो क्यूरिंग के अभाव में बहुत सारे घर का कंस्ट्रक्शन जो है एकदम मिट्टी बालू की तरह टूट जाता है। उसको देखिएगा तो लगेगा कि भाई इतना अच्छा मटेरियल लगाने के बाद भी ऐसा स्थिति है, तो उसका कारण यही है कि क्यूरिंग नहीं दे रहा है। कैल्शियम है सीमेंट में, भैया कैल्शियम दीजिएगा तो हीट ऑफ हाइड्रेशन आएगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन आएगा तो क्रैक करेगा ही। अब किसी के अंदर गर्मी अगर ज़्यादा आ जाए तो उसका माथा फटेगा कि रहेगा, वही हाल है कि सीमेंट में अगर ज़्यादा गर्मी है उसको शांत नहीं करिएगा तो भैया ब्लास्ट करेगा ही, वो आपका RCC मेंबर तो तोड़िए कि फेंक देगा। इसलिए ध्यान दीजिए कि अपना जो है हीट ऑफ हाइड्रेशन सही रहना चाहिए, क्यूरिंग समय समय पर होनी चाहिए, मिनिमम 7 दिन तो करिए ना, क्या जाता है, नहीं वो कर रहा है तो खुद पकड़ लीजिए ना पाइप, जरूरी है वही पकड़ेगा, नहीं पकड़ रहा है पकड़ लीजिए, तनिए तो पटाना ही रहता है पटा दीजिए, क्या जाता है, 1 घंटा समय निकाल के घर अपना घर बन रहा है तो इतने करिएगा तो फिर कल घर में सोइएगा, छोड़ दीजिए घर। दूसरा चीज़ आती है कि शटरिंग जब छत का होगा तो उससे पहले क्या करना चाहिए, ये सबसे बड़ा गंभीर समस्या होता है घर बनाने के लिए। शटरिंग करने से पहले अगर आप फ्लोरिंग अपने तरीके से कर लिए, लेवल एक करके ब्रिक वर्क करके कॉम्पैक्शन कर लीजिए, क्रशिंग करके डाल दीजिए और लेवल मिला दीजिए, तो आपका छत 1 mm भी नहीं झुकेगा। यही अगर मिट्टी पे ही शटरिंग लगाना शुरू करेगा तो वहाँ पर देखेगा कि 1 इंची धस गया, कहीं अगर 5 इंची ढलाई है यहाँ से वहाँ, कहीं 6 इंची कर देगा, कहीं 7 इंची, कहीं 8 इंची कर देगा वो ढलाई आपका। तो ये गलती जो है उस कंस्ट्रक्शन साइट पे होता ही है, तो उससे बचने के लिए हम लोग सजेस्ट करते हैं कि सबसे पहला काम करिए कि आप फ्लोरिंग करवा लीजिए, इससे आपका भी बचत है, अगला का भी बचत है, आपका मटेरियल बचेगा, अगला का काम बचेगा, अगला बदनाम नहीं होगा, आपका काम बढ़िया निकलेगा। BBS करते वक्त पहला तो वहाँ का जो वर्क है डिज़ाइन के हिसाब से, कहाँ पर 2-way स्लैब चलाना है, कहाँ 1-way स्लैब चलाना है, कहाँ सीयर देना है, कहाँ क्रैंक उठाना है, इन सब का ड्राइंग दिया रहता है, उसी के हिसाब से वर्क करवाइए और डिज़ाइन जो है सामने रह के करवाइए, साइट इंजीनियर को रखिए और साथ में उसमें कवर ब्लॉक ज़रूर लगवाइएगा, तो इससे आपको बेनिफिट रहेगा कि एक 15 mm क्लियरेंस है तो यहाँ से वहाँ तक आपका 15 mm क्लियरेंस रहेगा। इलेक्ट्रिक फिटिंग वाला भी गलती करता है, इलेक्ट्रिक फिटिंग देखते हुए नाला की तरह जो है लाइन से पाइप लगा दिया 6-7 को एक साथ में, तो कभी वो बॉन्ड बना पाएगा नहीं ना, इसीलिए जो है रूम बाय रूम आप अपना पॉइंट उतरवाइए, एक अलग सेटअप करिए, वो आपको इसी चैनल पे इलेक्ट्रिक इंजीनियर जो आएंगे वो आपको इसमें डिटेल्स वीडियो बता देंगे। प्लास्टिंग करानी है उससे पहले क्यूरिंग करिए, प्लास्टिंग कराते वक्त ध्यान रखिए कि आपके जो स्पेसिफिकेशन दी रखी है कि अंदर का वॉल जो है 9 mm होना चाहिए, बाहर का है 11-12 mm होना चाहिए, फिर अगर सीलिंग की बात कर रहे हैं तो वो भी 9 mm से कम नहीं होना चाहिए, तो ये सब छोटी बातें हैं इसको ध्यान में रखना पड़ता है आपको, वाइट वॉशिंग पेंट बहुत सारी चीज़ें। तो मुश्किलात जो चीज़ है जो मुश्किल करती है आपके घर बनाने में तो यही स्ट्रक्चर है,
स्ट्रक्चर, अगर सिविल वर्क सही हो गया आपका, तो सिविल वर्क सही होने के बाद वो आप खुद ही डिसाइड कर लेते हैं, चूँकि वो इंटीरियर का काम है। वो आपको एक इंटीरियर का अलग ही पूरा सीरीज बताएंगे कि इंटीरियर का किस तरह से काम कराना है, कैसे बचत करना है, कैसे आपको अपने घर में कम खर्च में अच्छा बना सकते हैं, बजट फ्रेंडली रह सकते हैं। कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट क्यों ना हो, अगर एस्टीमेट आपके हाथ में है तो आपका घर जो है बजट फ्रेंडली होगा ही। अगर यही आप किसी और पे छोड़ दीजिएगा तो वो तो अपना कमीशन जोड़ के ले ही लेता। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी, नहीं अच्छी लगी है तो क्या ही कर सकते हैं हम तो, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों से भी शेयर करिए, इस जानकारी को जितने आगे तक फैलाएंगे उतनी अच्छी रहेगी। साथ में सब्सक्राइब भी करिए, इतना अच्छा इतना मेहनत करके आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं, एक सब्सक्राइब के लिए आप लोग तरसा देते हैं, भाई सब्सक्राइब करिए, क्या जाता है एक लाल बटन दबाने कौन सा पैसा लगता है आपका, बाद में तो फिर तो यही वीडियो देखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।